Hi, good morning to all of you, my dear students. Once again, today I am going to discuss regarding the topic that is given in chapter 1, civics of standard 7. आज हम बात करेंगे other kinds of equality का. जैसा कि आपने पहले जाना democracy और equality दोनों के बारे में. अब ये समझना है किस प्रकार से क्या इम्पोर्टेंस है इक्वालिटी का, किस बेस में इक्वालिटी है इस डेमोक्रेसी में. तो इसे हम इस तरीके से जान रहे हैं, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी जो नाम दिया हुआ था. कंता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. यह कहने का मतलब कि कांता और ऐसे बहुत सारे लोग, अनेक व्यक्ति हमारे इस भारत देश में हैं जो अपने जीवन को जी रहे हैं इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इस लोकतंत्र के देश में, इस लोकतंत्रात्मक देश में. एंड हु हैव बीन डाइड टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल. कहने का मतलब कि अपना जीवन तो जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान के अनुसार, बिफोर द लॉ, कानून के सामने उन्हें इक्वल हक है, बट अपने जीवन शैली को दूसरे तरीके से जी रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ इक्वालिटी नहीं है. अपार्ट फ्रॉम बिंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज. जहाँ हम बात करते हैं गरीबों की, दैट मीन्स जिनकी इकोनॉमिकल स्टेटस डाउन है. अपार्ट फ्रॉम बिंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस, जहाँ तक भारत देश में उन सब लोगों के अनुभव के अनुसार, इन इक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, असमानताएँ बहुत अलग अलग रास्तों में यहाँ दिख रही है. लेट अस सी व्हाट दिस मींस बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो. ईच ऑफ दिच इज बेस्ड ऑन ए रियल एक्सीडेंट्स इन पीपल्स लाइफ्स एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. जहाँ ये इस कहानियों के माध्यम से, जैसे कि आपने पिछले पेज में देखा जो दर्शाया गया था, कैसे लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं. That means during the election time, जब उनकी वोट देने की बारी आती है. It's a disappointment regarding the person who are in the post belongs to the different types of post. उन्हें अलग अलग पोस्ट डिग्निटी से बिलोंग करते हैं अगर वो, तो ये मतलब नहीं रखता है. मतलब ये कि उस वोटिंग के टाइम में उन सबको इक्वालिटी है, समानता है, और एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करके उन्हें वोट देना है, अपने अनुसार से, अपने मन के मुताबिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है. तो वही चीज़ यहाँ दिखला रहा है कि कैसे अलग अलग इन सारे कहानियों में हम इक्वालिटी कहाँ हरास्ट हो रही है, कहाँ उसका इम्पोर्टेंस है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. सबसे बड़ी बात, हमारे भारत देश में जो असमानताएँ पाई जाती हैं उसका बेसिकल जो रेशियो है वो कास्ट सिस्टम है. सबसे ज़्यादा जातिगत, जाति के आधार पे. इफ़ यू लाइव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न आवर एक्सपीरियंस वेरी यंग. जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, उन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो डैट मीन्स ये उस अनुभव को सिखलाता है और दिखलाता है. जैसे जातीयता वहाँ ज़्यादा देखी जाती है, इसका मोल यहाँ ज़्यादा लिया जाता है. देन इफ़ यू लाइव इन अर्बन एरिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट. वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जब शहरी क्षेत्रों की, जहाँ की आजीविका में ये देखी जाती है, उसके रहन सहन में लोग जातीयता पर विश्वास नहीं करते हैं. बट जस्ट लुक एट दिस मैटरिमोनियल साउंड फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज पेपर एंड जस्ट विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज To be in minds of highly educated urban Indians. लेकिन ये किस तरीके से धीरे धीरे छाए जा रहा है उन सभी शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के दिमाग में, यह कैसे बैठता जा रहा है, इन चीज़ों को देखना जरूरी है. और इस इक्वालिटी को मूल रूप से हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी से देखते हैं और प्रमाणित करते हैं. Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school, जिनके बचपन की कहानियों को दर्शाया जा रहा है.
वे एक दलित से बिलोंग करते थे। अटेंडिंग स्कूल, जब स्कूल के टाइम में उनके स्कूल करने का समय था। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास सिक्स बुक। दलित इज ए टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, मैंने उनको प्रमाणित करने के लिए, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए। दैट मीन्स एक टर्म, एक भाग जो उसे संबोधित कर रहा है कि उनके निम्न जाति होने का। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, दैट मीन्स अगर हम दलित नाम बोलते हैं, ब्रोकन इन यूजिंग बाय यूजिंग दिस वर्ड, लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ देवियर, दैट मीन्स एक निम्न जातियों को, निम्न श्रेणी के जातियों को उसे इंडिकेट किया जा रहा है। टू हाउ देवियर, और वे कहाँ तक हैं, एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और ये मुख्य रूप से कैसे अपमानित होते हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है, इन सब चीज़ों में। तो यहाँ हमने देखा ड्यूरिंग द रिलीजन, ड्यूरिंग द कास्ट, दैट मीन्स बिटवीन द जेंडर मेल एंड फीमेल, एंड ऑल्सो इन अदर वे रिगार्डिंग कम्युनिटी, ईच एंड एवरी थिंग, दैट मीन्स मेल, ड्यूरिंग जेंडर, ड्यूरिंग कास्ट, ड्यूरिंग रिलीजन, इन द ऑल वेज जस्ट वी हैव फाउंड रिगार्डिंग द इनइक्वालिटीज, यहाँ असमानताएँ दिख रही है। तो ये कैसे विभिन्न प्रकार की इक्वालिटी जो अपने आप में स्टैंड नहीं करती है, इन चीज़ों को दर्शाया गया है। द टाइम बिंग, ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 इज ए फेमस दलित राइटर, वे एक प्रमुख दलित लेखक। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास। अब यहाँ देखिए, जब इक्वालिटी की बात आती है तो जैसे आप सभी देखते हैं आज के टाइम में, आप अपनी क्लासरूम्स में, वर्ग कक्षा में देखते हैं कि एक साथ, इट्स ए डजेंट मैटर द अदर स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट, आवर इन ए रिलीजन, मेल और फीमेल, दैट मीन्स आवर इन ए जेंडर पर्पस, सभी में हम देखते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। आज के टाइम में आप सभी को, विभिन्न वर्ग जाति श्रेणी के छात्रों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। बट उस टाइम में उनके साथ क्या कहानियाँ हुई, दैट मीन्स उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी जीवनी को, दैट मीन्स अपने टाइम, स्कूल के टाइम में उनके साथ क्या बीता, इन कहानियों को उन्होंने जूठन के माध्यम से एक्सप्लेन किया। I had to sit away from the others in the class. That means यहाँ मुझे अलग बैठाया जाता था अपने क्लास में दूसरे से। And the spot I sat on, sometimes I would have to sit away behind everybody, right near the doors. Sometimes they would beat me without any reason. कभी कभी उन्हें दरवाजे के सामने बैठाया जाता था, कभी कभी उन्हें पीटा जाता था बिना किसी कारण के, या most probably ज़्यादातर टाइम उन्हें सभी बच्चों को पीछे बैठाया जाता था। When he was in class 4, जब वे चौथी कक्षा में थे, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground. प्रधानाचार्य उन्हें बोलते थे स्कूल के खेल के मैदान को साफ करने के लिए, उसमें झाड़ू लगाने के लिए। He writes, the playground was very larger than my देन आफ्टर, दैट मीन्स ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेग्राउंड था मेरी पहुंच से, दैट मीन्स वो बहुत ही लंबा था, जहां तक एक बच्चा जो तक चौथी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, जरा इसको गौर कीजिए। और जस्ट यू थिंक एंड इमेजिन रिगार्डिंग द ऑल थिंग्स इन योर रियल लाइफ, इट्स ए रियल स्टोरी, नथिंग एज ए स्टोरी, इट्स ए रियल स्टोरी। ये एक जीवनी है, ये एक सच्ची कहानी है जो एक दलित राइटर अपने उस टाइम के जीवनी को एक्सप्लेन कर रहा है, किताबों में बांध रहा है। दैट मीन्स उसके साथ ऐसा हुआ उनके साथ कि एक उस चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बालक से पूरा उतना बड़ा प्लेग्राउंड साफ कराना। सो माई बैक बिगिन टू एक माई फेस वॉज कवर्ड विथ डस्ट, दैट मीन्स उतने दूर को साफ करते करते उनके कमर में दर्द शुरू हो जाती थी, उसके साथ साथ पूरा डस्ट और धूल से भर जाते थे।
तो ये भी एक इक्वालिटी के रंग को शो कर रहा है। दैट मीन्स जहाँ नहीं मिल रही इन इक्वालिटीज दर्शाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अगेन इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।